ये प्रोडक्ट मैंने बहुत लंबे टाइम तक यूज़ किए हुए हैं और निविया को तो मुझे यूज़ करते हुए लगभग 4-5 ईयर्स हो चुके हैं। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं बात करने वाली हूँ निविया मॉइस्चराइज़र के बारे में और जॉय का स्किन फ्रूट मॉइस्चराइज़र के बारे में। सो दोनों ही प्रोडक्ट मैंने बहुत लंबे टाइम तक यूज़ किए हुए हैं और निविया को तो मुझे यूज़ करते हुए लगभग 4-5 ईयर्स हो चुके हैं। और इसको भी मेरे को यूज़ करते हुए मैंने मतलब 2 साल से मैं इससे यूज़ कर रही हूँ। सो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। सो ये वाला जो है वो ये 10 रुपीज़ का है और 15 ml इसके अंदर आता है क्वांटिटी। और इस निविया का जो प्राइस है वो है ये है 65 रुपीज़ का और 30 ml का ये प्रोडक्ट है। सो निविया 3 times महंगा है इस वाले मॉइस्चराइज़र से। ये वाला बहुत सस्ता है और ये महंगा है। ये 10 रुपीज़ का है 15 ml और ये 30 ml है 65 रुपीज़ का। सो इसको अप्लाई करके दिखाते हैं। बहुत अच्छी लगती है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। क्रीम बेस्ड है और बहुत थिक क्रीम है इसकी, मतलब कहीं पे जाती नहीं है। अगर आप उल्टा भी कर दोगे तब भी निकलेगा नहीं। इस साइड में आपको ये वाला मॉइस्चराइजर लगा के दिखाऊंगी जो है कि स्किन फ्रूट्स वाला। इधर इस साइड मैंने लगाया है जॉय स्किन फ्रूट्स वाला मॉइस्चराइजर और इस साइड मैंने लगाया है निविया वाला। तो निविया वाला जो मॉइस्चराइजर है वो बहुत ठीक है, मतलब एब्जॉर्ब होने में स्किन में बहुत टाइम लगाता है। ध्यान से देखोगे तो जो निविया वाली साइड थी वो थोड़ा सा शाइन ज़्यादा कर रहा है। सो निविया की जो क्रीम है उसका बेस्ट पार्ट यही है कि जब आप उसको लगाते हो ना तो आपके चेहरे पर एक ग्लो सा आ जाता है, थोड़ी स्किन शाइन करने लगती है। सो वैसे तो दोनों प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। मेरी स्किन ड्राई है तो ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए दोनों बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बेस्ट मॉइस्चराइज़र हैं। बट अगर मैं अपनी बताऊं तो मेरे को निविया वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। हालांकि प्राइस में ये जॉय फ्रूट्स वाली मॉइस्चराइज़र से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी स्टिल मुझे इसको यूज़ करते हुए बहुत लंबा टाइम हो गया है एंड इसका कोई भी मुकाबला नहीं है। मतलब ये वाला जो मॉइस्चराइज़र है ये सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र है और मुझे इतना लंबा टाइम हो गया इसको यूज़ करते हुए, मेरे को कोई कभी कंप्लेन नहीं आई है। स्किन पे एक अलग सा शाइन आता है इसको यूज़ करने के बाद, अलग सा ग्लो आता है। सो ये वाला जो साइड है जहाँ पे मैंने जॉय फ्रूट्स का मॉइस्चराइज़र लगाया था ये मुझे थोड़ा स्टिकी सा लग रहा है। हालांकि ये मॉइस्चराइज़र भी अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो ख़राब है क्योंकि वो मेरी सेकेंड प्रेफरेंस रहती है, लेकिन हमेशा मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस निविया का मॉइस्चराइज़र रहती है। निविया सबसे बेस्ट है और उसके बाद अगर मेरे पास निविया नहीं होता है ऑप्शन में तो फिर मैं इस वाले को यूज़ करती हूँ। बट निविया वाली साइड काफ़ी स्मूथ लग रही है और स्किन में भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो गया है और स्टिकी भी नहीं लगता है ये। और किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट आपके ऊपर सूट करेगा, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको अप्लाई करके अपनी स्किन पे देखें। कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे इंसान को मतलब सही सूट कर जाते हैं लेकिन आपको सूट नहीं करते। सो मैंने जो मॉइस्चराइज़र है काफ़ी सारे ट्राई करने के बाद आई
फाइंड आउट कि ये वाला जो मॉइस्चराइजर है वो मेरे फेस पे ज़्यादा बेटर तरीके से सूट करता है. सो इसीलिए इसको तो मेरा मल्टीपल टाइम्स मैंने इसको रिपर्चेज किया है और इतना लंबे टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. सो दिस वन इज द मोस्ट हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट फ्रॉम माई साइड. जो भी आपकी स्किन के ऊपर सबसे ज़्यादा बेस्ट सूट करता है उसको आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ करिए. मेरे को तो निविया सबसे बेस्ट लगती है और मैं सॉर्टेड हूँ मॉइस्चराइजर के मामले में. मेरे को जब भी चूज़ करना होता है तो मैं निविया का ये ब्लू वाला पैक ही उठाती हूँ. इसमें एक वाइट कलर में और आती है निविया के ब्रांड की ही मॉइस्चराइजर, बट आई लाइक दिस वन ब्लू वाला, मुझे ज़्यादा पसंद है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप